जो गेहूँ आपको नवंबर के महीने में बोना होता है वही गेहूँ आप 15 दिसंबर के बाद बोते हैं। अगर 15 दिसंबर के बाद आप 16 दिसंबर को अगर गेहूँ लगाते हैं तो आपकी उपज प्रति हेक्टेयर 30 किलो कम हो जाएगी। एक दिन की बता रहा हूँ, अगर 15 तक बोए तो ठीक है, जैसे 16 दिन हुआ, 16 तारीख हुआ, तो आपकी प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है 30 किलो कम से कम घट जाएगी, और सिर्फ ज्यादा भी हो जाए। मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहाँ से लाओगे, ये सबसे अच्छी लाइन लिखी जो कि आप ही के ब्लॉग पर लिखी हुई है। मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहाँ से लाओगे। जैसे हमारा जो है जनसंख्या बढ़ रही है, जब बच्चा हो रहा है, 4 लाख पटदार हो जा रहा है, जमीन कम हो रही है, उत्पादन हमको उतना बहुत ही चाहिए, अधिक चाहिए, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। और समस्या क्या आ रही है कि हम लोग अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर रहे हैं। मिट्टी हमको जब तक अनाज दे रही है तब तक हम उसका शोषण कर रहे हैं। उसको बच्चे के साथ देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है वो जीवित प्राणी की तरह है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केचुआ, फंगस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें तो मिट्टी में रहती है। वही एक ऐसी चीज है जो पौधों को सहारा देती है, पौधों को पोषक तत्व देती है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य रखने के लिए सर्वप्रथम धान कटने के बाद आपको मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। मिट्टी की जांच कराने के लिए आप ब्लॉक पे, मधेपुर ब्लॉक पे, लखनऊ ब्लॉक पे, बिहार के किसी भी ब्लॉक में जा सकते हैं। साथ साथ वगैरह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो झंझारपुर है वहां भी आप आ सकते हैं। नाम बंद का पैसा लगता है 50 रुपया, बिहार बोर्ड में फ्री है, आप फ्री में अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। जैसे डॉक्टर जो है बिना जांच किए दवाई नहीं देता है, उसी प्रकार मिट्टी वैज्ञानिक भी कहता है कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाए। उसी के आधार पर देखा जाएगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य कितना बिगड़ा है। कभी ऐसा हो कि मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर भी बोलते हैं भैया सब भगवान भरोसे है, तो ऐसा काम नहीं करना है, समय देखते हुए ही आपको मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अभी जब धान कटेगा आपका, धान कटने के बाद और गेहूं बोने के पहले आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। हफ्ते से 10 दिन में आपका जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के आधार पर आप खेत में उर्वरक की मात्रा आप डालेंगे। दूसरी बड़ी बात जो समस्या आ रही है कि जो यहाँ के किसान है, बिहार के किसान में देख रहा हूँ, पहली चीज है कि ये लो लैंड है, पानी खेत में ज्यादा लगता है। दूसरी चीज है जब किसान धान काटता है तो पहली बार मैंने जिंदगी में बिहार में आके देखा है, यहाँ पे आके देखा है कि धान यहाँ पे दो तरीके से काटा जाता है। पहले वो जड़ से काट देंगे और उसके ऊपर का क्या होगा, जब पोर्शन है जिसके ऊपर बाली लगती है वो बाली काट लेंगे और लार को खेत में छोड़ देंगे, क्या सूख रहा है, लेबर नहीं मिला, बात होगा तो समस्या आ जाएगी। उसके बावजूद भी क्या करते हैं, फिर उसमें कल्टीवेटर जोतेंगे, रोटावेटर जोतेंगे, फिर जाकर उसमें सीड डालेंगे। ये सारे काम करते करते जो गेहूं आपको नवंबर के महीने में बोना होता है वही गेहूं आप 15 दिसंबर के बाद बोते हैं, 15 दिसंबर के बाद। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अप्रैल में और मार्च में जो गर्म लू चलती है, गर्म हवा चलती है, उससे गेहूं का उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। अगर 15 दिसंबर के बाद आप 16 दिसंबर को अगर गेहूं लगाते हैं तो आपकी उपज प्रति हेक्टेयर 30 किलो कम हो जाएगी। एक दिन की बता रहा हूँ, अगर 15 तक बोए तो ठीक है, जैसे 16 दिन हुआ, 16 तारीख हुआ, तो आपकी प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है 30 किलो कम से कम घट जाएगी, और सिर्फ ज्यादा भी हो जाए तो 30 किलो तो घटना आवश्यक ही है, क्योंकि वो लू जब चलेगी तो गेहूं का दर क्या होगा, सूख जाएगा, मोर्चा जो खत्म हो जाएगा एकदम से, आटा भी क्या गेहूं का दर पतला हो जाएगा, उचित दाम आपको नहीं मिलेगा। आप भारत खाद्य निगम में जाएंगे, एफसीआई में जाएंगे बेचने के लिए, या बिहार सरकार में जाएंगे तो गेहूं की क्वालिटी देखता है वो। जब एमएसपी कहता है कि एमएसपी आपको मिलेगी किसानों को, तो एमएसपी तब मिलती है जब वो क्वालिटी वाला गेहूं मिलेगा उसको। अगर पर्टिकुलर मॉइस्चर मिलेगा, उसका वेट अच्छा रहेगा, साइनिंग आएगी उसमें, तब जाके उसमें आपको गेहूं का जो 2100 रुपये अभी रेट चल रहा है एमएसपी, वो आपको मिलेगा। वरना फिर क्या करेंगे कि भैया आपका गेहूं खराब है, हम आपका गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो उस उपाय से बचने के लिए, क्या करना है आपको, एक मशीन है जैसे कि अभी जो किसान मशीन जो यूज कर रहे हैं, रोटावेटर यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे किसान क्या करें,
जीरो टिलेज से गेहूं की खेती करेंगे। जीरो टिलेज की, जीरो टिलेज से कैसे काम करना है? अगर जीरो टिलेज मशीन यहाँ पे है तो अच्छी बात है, ब्लॉक में है और अच्छी बात है, नहीं तो सब्सिडी मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है, खरीद लीजिए, 70,000 की आती है, 35,000 दीजिए, 35,000 पर मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा सब्सिडी के। और नहीं तो किराए पे लेना है तो कृषि विज्ञान केंद्र चले जाइए, ट्रैक्टर चाहिए, मशीन चाहिए, जो चाहिए वो उसका किराया दीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और वहां से अपना जो है अपना ड्राइवर लीजिए और ट्रैक्टर ले आइए, मशीन ले आइए, बात करिए, उसको सही सलामत वापस कर दीजिए ड्यूरेशन के हिसाब से। भैया एक दिन ले जा रहे हैं, हमको 2 एकड़ करना है, हम वापस कर देंगे तो उसका पैसा हमको जमा कर दीजिए, आपको मशीन आपको 1300 रुपये ट्रैक्टर का है, 1300 रुपये ट्रैक्टर का है एक दिन का, ठीक है, एकड़ के हिसाब से। और जीरो टिलेज मशीन जो है वो 700 रुपये एकड़ है। और पोटास नाइट्रोजन के फॉर्म में, यूरिया के तरह, फास्फोरस डीएपी के तौर पे, और पोटास भी डालना बहुत जरूरी है। पोटास किसान नहीं डालता है, पोटास खेत में जरूर डालेगा, 40 किलो प्रति हेक्टेयर डालना है, पोटास डालना है। एमओपी की बात कर रहा हूँ, 40 किलो पोटास की बात कर रहा हूँ, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका कम से कम 60 किलो आता है, 60 किलो हेक्टेयर यानी कि 25 किलो एकड़ आपको, या मान लीजिए कि 1 किलो कट्ठा आपको म्यूरेट और पोटास डालना है, एमओपी डालना है, लाल रंग का खाद आता है वो आप डालिएगा। उससे क्या होगा, जो गेहूं के दाने आएंगे ना उसमें साइनिंग आएगी, चमक आएगी, और चमक आएगी तो आपको पैसा आपको मार्केट में ज्यादा मिलेगा। तो जब आप जीरो टिलेज से खेती करेंगे तो उससे क्या होगा, आप पहले किसान क्या करता है, रोटावेटर चलाते हैं, रोटावेटर चलाने से क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह जो है बहुत भरभरी हो जाती है, किसान बड़ा खुश होता है कि गेहूं का पता क्या चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, एक माइंड में सेट है क्या है कि गेहूं के लिए सतह क्या होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, इसलिए रोटावेटर एक बार दो चांस कर देता है वो। परंतु क्या होता है, जमीन के अंदर एक मतलब कि 15 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो जमीन नीचे का हार्ड पैन लग जाती है, एक कठोर परत जम जाती है, और पानी या कोई पोषक तत्व या जड़े जो नीचे जाती है उनका विकास रुक जाता है। इसलिए धान के खेत में जैसे ही आपने धान काटा, धान काट के हटिए, अगर आप लोग हाथ से कटाई करते हैं, धान काटिए, खेत खाली है, सिंपल, आपको घास ज्यादा है तो ग्लाइफोसेट डाल दीजिए, और खेत में घास ज्यादा है ग्लाइफोसेट डाल दीजिए, घास आपकी जल जाएगी। पुआल है, लार है, आपको दिक्कत है आग जलाना, आग नहीं जलाना है, कि सरकार ने मना किया है, क्या करना है, 2% यूरिया, कुछ ही करना है, 2% यूरिया यानी कि 2 ग्राम लीजिए और 100 ml पानी लीजिए, यानी 20 ग्राम यूरिया लीजिए, 1 किलो पानी लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए, 2 दिन के अंदर सारा लार खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, अपने आप ही जल जाएगा, और उनके घर में लार वो सब खाद बन जाएगा।